हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश का जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये पढ़ने वाले हैं. लेट्स चेक इट आउट कि इसमें जो एन फ्रैंक है उसने क्या क्या लिखा है और वो आखिर हैं कौन. तो पहले जानते हैं कि आखिर जो एन फ्रैंक हैं वो हैं कौन. तो उनका नाम है एनेलीस मारीफ एन फ्रैंक, जिनका जो जन्म होता है वो 12 जून 1929 को होता है और फरवरी और मार्च 1945 में उनकी डेथ हो जाती है. वो तो जर्मन बॉर्न ज्यूइश, वो एक जर्मनी में बॉर्न हुई लड़की हैं जिनका जो रिलीजन है वो ज्यू है, ज्यूइश उनको कहा जाता है. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू. तब वर्ल्ड वॉर टू चल रही होती है और नाजी जो होते हैं उन्होंने यहाँ पे मतलब इन्वेड किया होता है, अटैक किया होता है. तो ये अपनी फैमिली के साथ छुपी होती हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ छुपी होती हैं एम्स्टरडैम में. तो तब ये लिखती हैं ये चीज़ जो डायरी में बनाती हैं, डायरी लिखती हैं वो तब लिखती हैं जब वो छुपी होती हैं. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन टू द नीदरलैंड्स. क्या होता है, ये नाजी से बचने के लिए ही ये लोग एम्स्टरडैम में जाते हैं जर्मनी छोड़ के, क्योंकि पहले जर्मनी में रहते होते हैं ये लोग, लेकिन जब नाजी वहाँ अटैक कर देता है तो ये लोग जाते हैं एम्स्टरडैम में और फिर एम्स्टरडैम में भी नाजी अटैक कर देते हैं. क्योंकि वो जो नाजीज हैं वो ज्यूइश पॉपुलेशन को मारना चाहते हैं और ये सब छुपते छुपते कहाँ पहुँच जाते हैं, इनके मतलब छुपने के लिए कहाँ पहुँचते हैं, अपने पापा के ऑफिस. तो जो एन फ्रैंक के जो पापा होते हैं उनका जो ऑफिस होता है वहाँ उसकी बिल्डिंग में ये सब छुपे होते हैं, इनकी पूरी फैमिली छुपी होती है. द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन July 1942 इन द हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. ठीक, तो ये सब वहाँ छुप जाते हैं. 1942 की बात है, 2 साल तक ये लोग छुपे रहते हैं. आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कनेक्शन कैंप सिस्टम वेयर इन डाइड ऑफ टाइपस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर्स मार्गोट फ्रैंक. क्या होता है कि इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, कुछ एक बीमारी के कारण एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है और इससे पहले उनकी मार्गोट फ्रैंक जो है उनकी बहन, उनकी भी डेथ हो जाती है. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. अब क्या होता है, सिर्फ एक ही इंसान बचा होता है उनकी फैमिली में, वो कौन है, उनके पापा हैं जिनका नाम ऑटो है और सिर्फ वही एक ओनली सर्वाइवर है, वही एक जिंदा इंसान है उनकी फैमिली में जो वापस लौटते हैं एम्स्टरडैम. और जब ये वॉर ख़त्म हो जाता है तब वो उसकी डायरी, उनको उसकी डायरी मिलती है जो एन फ्रैंक ने लिखी होती है. कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. अब क्या होता है, उनको वो जब वो पढ़ते हैं उस चीज़ को तो उनको बड़ा अच्छा यूनिक रिकॉर्ड लगता है कि ऐसा तो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं और जो चीज़ जो इंसान है नहीं उनकी ज़िंदगी में, उनकी बेटी, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा कि वो क्या लिखती है, क्या उसके थाट्स हैं. तो उनको उन्होंने सोचा कि मैं इस थॉट को पब्लिश कराऊंगा और उन्होंने जब उस बुक को पब्लिश कराई तो उसका नाम था, नाम पड़ा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ठीक, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th birthday. ये डायरी उसको दी गई थी जब उसका 13th birthday था एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st August 1944. उसने इस एंट्री शुरू कर दी थी 12 जून 1942 से और एंट्री का जो आखिरी दिन था जिस टाइम तक एंट्री थी वो था 1st August 1944. तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ की, नहीं अभी कहानी शुरू नहीं हुई, अभी फिर से थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बाद कहानी शुरू होती है. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक्स. देखो क्या हुआ, अब ये बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में पहले छपी, उसके बाद अब ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक बन गई है. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म टेलीविजन एंड थिएटरल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी. अब क्या हुआ, इस जो इनके थॉट्स हैं, इनके थॉट्स पे इतने सारे फिल्म्स बने, टेलीविजन प्रोग्राम बने, ठीक है, इतने थिएटर हुए कि इनकी जो कहानियाँ थी वो लोगों को बहुत पसंद आई और उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग की, मतलब लोगों तक पहुँचाया है उनके मैसेजेस को.
Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of diary life under Nazi occupation. मतलब ये इतनी मतलब जो उस टाइम होता था जिस टाइम पे नाजीज ने अटैक किया था तो उसके बारे में काफी जिक्र था उनकी डायरी में. एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम. तो एन फ्रैंक जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इस चीज को लेके. कौन से विक्टिम को? हॉलोकॉस्ट. मतलब कि इसका मतलब होता है कि जो नाजी हैं वो जब ज्यूइश लोगों को, जो ये ज्यूज लोग हैं इनको मारना चाहते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं इनको, तो ये उस टाइप की विक्टिम में आ गई कि जो ज्यूज हैं उनको मारा जा रहा है और वो नाजी के द्वारा मारा जा रहा है. मतलब कि वो बिल्कुल अब बचे नहीं हैं और उनको बहुत तादाद में मार दिया गया है. अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और ये है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. अब यहाँ से वो उनके जो एन फ्रैंक हैं ये जो कहती हैं, ये जो सोच रही हैं, ये उनकी कहानी शुरू होती है. यहाँ वो कहती हैं कि डायरी में लिखना बहुत ही एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. स्ट्रेंज मतलब होता है कि बड़ा अजनबी सा एक्सपीरियंस है, बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है. क्यों ऐसा कह रही हैं वो? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. ये इसलिए सोचती हैं ये क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी लिखा नहीं है इसलिए सोच रही हैं बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है डायरी लिखना, जबकि ये इसलिए सोच रही हैं क्योंकि आगे चल के ना ही मुझे कभी इंटरेस्ट आएगा मेरी डायरी पढ़ने में और ना ही कोई और इंसान को इंटरेस्ट आएगा किसी 13 ईयर ओल्ड लड़की की स्कूल डायरी पढ़ के, स्कूल गर्ल की डायरी पढ़ के. ठीक, तो मतलब कि इनको ये लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पढ़ नहीं रहा तो मैं क्यों लिखूं. ठीक है, तो इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं. म्यूजिंग मतलब होता है थॉट्स आना. ठीक है, थॉट्स. तो इनको लगता है कि कोई मेरे थॉट्स में क्यों इंटरेस्टेड रखेगा लेटर ऑन, जब कोई मेरा ही पढ़ेगा ही नहीं, जब मैं खुद नहीं पढ़ूंगी लेटर ऑन, तो कौन, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं. ओ वेल इट डजेंट मैटर, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब ये भी कह रही हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. अब मुझे पसंद है लिखना और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिल से सारी जो बातें हैं वो लिख डालूं, जो मेरा जितनी चीज़ें मेरे अंदर भरी हुई हैं वो मैं एक्सप्रेस करूं कहीं पर. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. ये बोलती हैं कि देखो पेपर के पास बड़ा पेशेंस होता है. जैसे कि सपोज अगर किसी इंसान से कोई बात कही जाएगी तो वो मे भी सुने ना सुने, लेकिन जो पेपर है वो आपकी पूरी बात सुनता है. आपको इलैबोरेटिव वे में वो पूरी बात आपकी, आप जैसा भी लिखो, जितना भी लिखो, जो भी बताओ, वो सुनता है बहुत पेशेंटली. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब ये चीज़ इनके दिमाग में thoughts आ रहे हैं और ये बताना चाह रही हैं कि ऐसे भी कई दिन थे जब ये बहुत depressed feel करती थी. मतलब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब ये बहुत डिप्रेस फील करती थी. और ये जैसे नहीं हम लोग बैठते हैं, चिन अपने जो हाथ है वो अपने गाल पे ऐसे रख के सपोर्ट लेके सोचते हैं जब, तो एक स्टेट बन जाता है कि सोच रही हैं कि मैं क्या करूं, घर पे बैठूं कि मैं मतलब बाहर जाऊं, मैं क्या करूं. मतलब ये एक सिचुएशन में है जब ये डिप्रेस्ड हैं और ये समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करना चाहिए, किससे शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और ये इनके पास कोई एनर्जी नहीं है. लिस्टलेस मतलब होता है कोई एनर्जी और कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, ये डिप्रेस्ड हैं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. अब ये फाइनली डिसाइड करती हैं कि जहाँ मैं मतलब चिंता कर रही हूँ मैं वहीं पर ही रहती हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पेपर है उस पर सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी. इसलिए आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन रीड. इसलिए मैं प्लानिंग नहीं कर रही कि कोई इसको पढ़े, मेरी इतनी मोटी बाइंडेड सी नोटबुक को. ठीक है, जिसको मैं डायरी कह रही हूँ. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वुडेंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. मतलब कि ये बताना चाहती हैं कि जो एक रियल फ्रेंड है जिसको हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो
रियल फ्रेंड में और एक डायरी में कोई अंतर नहीं है। अगर हम अपनी डायरी से शेयर करते हैं अपनी बातें, तो ये उसकी तरह ही हो गया कि जो रियल फ्रेंड है हम उसको अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब अब ये वापस आती है अपने पॉइंट पे, और प्रॉम्प्टेड मतलब होता है एनकरेज। इनके मन में एनकरेजमेंट आती है कि अब ये डायरी अपनी प्रायोरिटी पे रखें। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मतलब कि इनका कोई दोस्त नहीं होता है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब ये बहुत क्लियरली बता रही हैं क्या, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old लिटिल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब ये कहती हैं कि किसी को बिलीव नहीं होगा कि एक 13 साल की जो लड़की है वो कम्प्लीटली अलोन है, मतलब कि वो अकेली है पूरी। वो कम्प्लीटली अलोन है इन दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट, मतलब ऐसा ये कह रही हैं कि मतलब इनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि इनके पास फ्रेंड्स नहीं है। मतलब ये भी कहना चाहती हैं कि मैं अलोन अंदर से हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं वैसे अलोन हूँ कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं या फिर ऐसा। वो बताती हैं कि आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत चाहने वाले पेरेंट्स हैं। आई एंड अ 16-year-old सिस्टर, और इनकी एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और इनके ज़िंदगी में 30 लोग हैं जिनको ये फ्रेंड्स कह सकती हैं। आई हैव अ फैमिली, और इनकी फैमिली भी हैं, इनकी लविंग आंट्स हैं, और इनका एक बहुत अच्छा घर है, लेकिन तब भी ये कहती हैं कि ये अकेला ही अंदर से फील करती हैं। मतलब इनके कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिससे ये अपनी बातें को शेयर कर पाएं। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो मतलब यहाँ पे ये वो ये बोलना चाहती हैं कि इनका बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, बाकी सब कुछ है इनकी लाइफ में। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स, पर मैं उनसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर पाती। मैं उनसे सिर्फ जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वही बोल पाती हूँ। मतलब मैं पूरा खुल के नहीं आ पाती कि मैं किस टाइप की हूँ या फिर मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, ये नहीं बता पाती। पर जो नॉर्मल बातें चलती हैं मैं वो वही बातें करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम और क्लोज नहीं आते। मतलब हम लोग में इतनी क्लोजनेस नहीं है कि हम हर चीज़ शेयर कर सकें। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक प्रॉब्लम है कि कुछ लिमिट तक है। यहाँ पे वो जो एन फ्रैंक है बताना चाहती हैं जो उनकी दोस्ती है बाकी दोस्तों से, वो एक लिमिट वाली दोस्ती। जैसे आप लोग के भी कई दोस्त होंगे तो उसमें से काफ़ी दोस्ती ऐसी होगी जिसको आप बहुत कुछ बताते होंगे, और कुछ दोस्त आपके एक लिमिटेशन में होंगे जहाँ तक आप हाँ ना और कुछ ही ऊपर की जो लेयर्स हैं वही शेयर कर सकते होंगे। बहुत डीप का शेयरिंग नहीं चलता होगा। सो वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। ये कहती हैं शायद ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इतना घुल मिल नहीं पाती इतनी ईजली। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और ये कहती हैं कि ऐसे ही होता है हमेशा, ऐसे ही होता आया है और कभी भी ये नहीं चेंज हो सकता। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, तभी मैंने अब डायरी लिखना शुरू कर दिया है। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। जैसे कि लोग बहुत वेट करते हैं कि शायद मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त आएगा जिससे मैं शेयर कर पाऊंगी अपनी बातें, तो अब ये अपनी इमेजिनेशन को इन्हेंस करती हैं। अब इनका जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है वो इमेजिनेशन तक नहीं रहा। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। अब ये कहती हैं कि मैं जो फैक्ट्स हैं तथ्य हैं वो नहीं लिखना चाहती डायरी में, जैसे कि सब पीपल जो बाकी लोग हैं ऐसा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ मेरी जो डायरी हो वो मेरी फ्रेंड की तरह हो। जैसे कि हमारी फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, हम उनसे फॉर्मली नहीं बिहेव करते, हम उनसे इनफॉर्मल वे में रहते हैं, मतलब कि जैसा हम चाहते हैं। अगर आप फॉर्मल बिहेव करेंगे तो आपका वो फ्रेंड नहीं हुआ, ठीक। तो ऐसे ही सोचती हैं कि जो मेरी डायरी है उसको भी मैं अपना एक फ्रेंड मान के ही चलूं। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को अब एक नया नाम देने वाली हूँ जिसका नाम है किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू पंच राइट इन।
अब ये कहती हैं कि जो मेरी मैं स्टोरीज किटी में लिखूंगी तो वो कोई समझ नहीं पाएगा। पंज मतलब है थ्रो योर सेल्फ, सबको अपने आप को काफी ज्यादा झोंकना पड़ेगा उसमें समझने के लिए। सिंस नो वर्ड वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू टू किटी, इफ आई वर टू पंज राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। अभी बोलती है सपोज मैं आज से लिखना शुरू कर दूं कि आज मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, तो अगर मेरी डायरी कोई पढ़ता भी है, इफ इन केस मतलब इनके मन में ये भी आ रहा है कि कोई पढ़ेगा भी आगे चल के, तो वो समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन थी, किसके बारे में लिख रही हूँ, क्या है। तो ये सोचती हैं कि मुझे अपने बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे फैमिली में कौन कौन लोग हैं, मैं किन के साथ खाती पीती हूँ, तो मतलब जिससे कोई मेरी डायरी कभी पढ़े तो वो पहचान पाए कि मैं आखिर हूँ कौन। जबकि उसको ये चीज़ करना बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो अपने आप बारे में डिस्क्रिप्शंस दे, बट ऐसा उसे करना पड़ेगा क्योंकि वो जान चाहती हैं कि कोई उनकी डायरी जब पढ़े तो वो समझ पाए, अदरवाइज वो कोई एक वर्ड समझ नहीं पाएगा कि वो लिखा क्या है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, तो मतलब कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन जो अपना शुरू किया है वो फादर से शुरू किया है कि जो फादर हैं मेरे वो बहुत प्यारे हैं। आई हैव सीन एवर डिडंट मैरी माई आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मतलब ये बताती हैं कि जो इनके फादर की जो एज थी वो 36 थी और इनकी मदर की 25 थी, मतलब काफ़ी डिफरेंस था। माई सिस्टर इनकी जो बहन थी उनका नाम था मार्गॉट, जो कि फ्रैंकफर्ट में जिनका उनका जन्म हुआ था। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है, और उनका जन्म 1926 के ईयर में हुआ था। और जो ये एन फ्रैंक हैं ये छोटी हैं उनसे, तो इनका जन्म 1929 को हुआ मई हुआ और 12 जून को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक ये 4 साल की थी तब तक ये लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे, जब जर्मनी जहाँ जर्मनी है जर्मनी में फ्रैंकफर्ट है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, फिर क्या हुआ इनके पापा ने ये जो कंट्री थी वो छोड़ दिया और एमिग्रेट हो गए, मतलब कि ये कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चले गए। ठीक है, एमिग्रेशन मतलब क्या होता है, एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाना। टू हॉलैंड, कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए, किस सन में, 1933 में चले गए। माई मदर जो मेरी मम्मी थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वो उनके साथ ही चली गई वहाँ पे हॉलैंड में, सॉरी चली गई वहाँ पे उनके साथ में ही हॉलैंड। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और मुझे और मेरी बहन को भेज दिया गया हमारी दादी के यहाँ, ग्रैंड मदर के यहाँ जो कि एचिन था, वहाँ पे भेज दिया गया रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और फिर मार्गोट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई, और उसके बाद फरवरी तक मैं भी वहाँ पे उसकी बर्थडे तक मुझे भी प्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, मतलब वेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, तो जब तक वहाँ पे मैरगॉट वहाँ दिसंबर में पहुँच गई थी, फरवरी में एज अ बर्थडे प्रेजेंट मुझे वहाँ पे पटक दिया गया, मतलब रख दिया गया, ऐसे मजाक में बता रही हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। अब ये बताती हैं कि जब तक ये 6 साल की थी तो ये एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन दी फर्स्ट फॉर्म, जब ये फर्स्ट फॉर्म में थी, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास बोलते हैं वैसे। इन 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कल क्यूप्रस, 6th फॉर्म में जब ये पहुंची तब तक इनकी जो टीचर थी उनका नाम था मिस क्यूप्रस, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी, जैसे कि यहाँ पे हमारे HODs या प्रिंसिपल्स होते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, यहाँ पे जब साल एंड होता है तो ये दोनों ही, दोनों कौन, जो मिस क्यूप्रस हैं इनकी टीचर और जो ये एन फ्रैंक है, दोनों ही आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि ये उस उनका फेयरवेल होता है। एन फ्रैंक इसके बाद चली जाती हैं, इसलिए एन फ्रैंक और टीचर को अलग अलग होना पड़ता है, और इसलिए एन फ्रैंक का यहाँ पे क्या होता है, फेयरवेल। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, अब क्या होता है 1941 में जो इनकी दादी होती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन होता है। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरा जो बर्थडे मनता है, मेरा मतलब कि एन फ्रैंक का जो बर्थडे मनता है वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, अब क्या होता
होता है, इनकी जो ग्रैंडमा होती है उनकी डेथ हो जाती है अगले ही साल, जिस साल उनका ऑपरेशन होता है उसके नेक्स्ट ईयर 1942 में. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और उनसे अभी भी कितना प्यार करती हूँ. This birthday celebration is in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब क्या होता है जब 1942 में इनका celebration होता है birthday का, तो intended मतलब कि planned होता है, ठीक. This birthday celebration was planned to make up the others, मतलब for the other. यहाँ पे क्या होता है, ये अपने जब ये अपना ये candle जलाती हैं अपनी grandma के लिए भी. The grandma's candle was lit along with the rest, जो बाकी candles जल रही होती हैं उसके साथ में ये अपनी grandma की भी एक candle जलाती हैं. The four of us are still doing well. हम चारों इंसान जो मतलब इसके पापा मम्मी और ये दो बहनें हैं ये अच्छा कर रहे हैं, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है. And that brings me to the present date. और अब ये अपनी ये इन्होंने क्या किया है, पास्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये थी मेरी फैमिली, मैं यहाँ तक पढ़ी, फिर मेरी एक टीचर थी और फिर मेरी दादी की डेथ हो गई. उसके बाद क्या होता है, अब ये बताती हैं कि प्रेजेंट डेट में अब ये आज से स्टार्ट करेंगी जो भी लिखना शुरू करेंगी अब. तो प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सॉलेम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी. अब ये आज से सीरियसली अपनी डायरी को कमिट कर रही हैं कि अब ये उसमें लिखेंगी, ठीक है. जैसे बहुत लोग बहुत चीज़ें स्टार्ट करते हैं पर नहीं लिख पाते, बट उन्होंने अब ये सॉलेम मतलब कि बहुत ही सीरियस डेडिकेशन मतलब कमिटमेंट किया है कि अब वो अपना काम स्टार्ट करेंगी. तो अब से जो अब से शुरू हो रहा है ये इनकी कहानी है जो ये अब लिख रही हैं, जो ये मतलब बता रही हैं अपने क्लास के बारे में, अपने अपनी चीज़ों के बारे में, ठीक है. तो उससे पहले तक इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया था. डियर किटी, अब डियर किटी कौन है, किटी इनकी डायरी है जिसको बोलती हैं डियरेस्ट किटी, मतलब मेरी प्यारी किटी. अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब कि हमारी पूरी क्लास जो है वो भरी है एक डर और नर्वसनेस से. ऐसा क्या हो गया है क्लास में कि पूरी क्लास जो है वो डर से और नर्वसनेस से भरी हुई है. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. अब इसलिए डरी हुई है क्योंकि आने वाली मीटिंग में टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा. तो ये बच्चों के लिए हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फियरफुल टाइम रहता है, नर्वस वाला टाइम रहता है कि हम पास होंगे कि नहीं हो पाएंगे, ठीक है. तो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. अब क्या होता है कि आधी क्लास उसमें से बेट कर रही होती है, मतलब कि शर्त लगा रही होती है. किस बात का, जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. अब जीएन एक कोई नाम है और आई मतलब कि ये खुद एन फ्रैंक, ये हंसती हैं पूरी उन बॉयज पे जो इनके पीछे बैठते हैं, क्योंकि सीएन ऑन जैक्वेस हु हैव स्टॉक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट. अब ये बताती हैं कि जो सीएन और जैक्वेस हैं इन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां बेट लगाने में ही खराब कर दी, मतलब सेविंग ऑन देयर बेट, मतलब कि इन्होंने जैसे बेट में लगाते ना 5-5 रुपए की शर्त और ये रुपए की शर्त, तो मतलब हु हैव स्टेक्ड मतलब रिस्क पे रख दी अपनी पूरी हॉलीडे की जो सेविंग्स होती थी उसको बेट लगाने की पे रख दिया इन्होंने, ठीक. जितना भी कमाते होंगे हॉलीडेज में जो इनकी सेविंग होती होगी उसको लगा दिया इन्होंने बेट में. तो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग सुबह से शाम तक अपने जहाँ भी होंगे वहाँ पे ये कहते थे कि क्या तुम पास होने वाले हो. ये कहता था नो आई एम नॉट, येस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे पास, नो आई एम नॉट. मतलब कि ये एक दिखाया गया है कि बच्चे बड़े कन्फ्यूज हैं कि वो पास होंगे, एक तरफ उनका ख्याल आता है कि वो पास होंगे, एक तरफ ख्याल आता है उनका वो पास नहीं होंगे, तो ऐसे ही चलता रहता है. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम डाउन. मतलब कि अब ये बताती हैं इवन जीज, जो जीज है, जीज कौन है, इसकी फ्रेंड जो जीएन नाम से है, इवन जी जो जीज है प्लीडिंग ग्लांसेस, ग्लांसेस मतलब कि झांकती रहती हैं, और एंग्री आउटबर्स मतलब होता है, एंग्री मतलब होता है कि गुस्से से भड़कना, ठीक है. कांट काम डाउन, अब वो भी काम डाउन नहीं कर पाती है. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी. अब यहाँ पे ये अपना दिमाग लगा रही हैं एन फ्रैंक, ये कहती हैं कि कोई मुझसे पूछे कि क्या होना चाहिए, कौन पास होना चाहिए, कौन नहीं, तो ये क्या बताती हैं, इफ़ यू आस्क मी दे आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक.
बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. अब ये कहती हैं अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगी कि मेरे क्लास में इतने अजीब अजीब लोग हैं जिनको नहीं पास होना चाहिए, उसमें से क्वार्टर जो क्वार्टर ऑफ द क्लास है, मतलब कि जो मतलब आधे से क्वार्टर का जो पोर्शन है वो उसको क्लास में ही, एक चौथाई जो है उसको हम क्लास में केप्ट बैक करना चाहिए, इसी क्लास में रुकना चाहिए, उसको आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो उनका कहना यही है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्लास में ही, यहाँ पे इनको आगे दूसरी क्लास में बढ़ाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग इतने बेवकूफ़ हैं पढ़ने में कि वो नहीं कर सकते. लेकिन क्या पता, टीचर्स तो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, मतलब टीचर्स को हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो क्या सोच रहे हैं क्योंकि वो बड़े अनप्रडिक्टेबल क्रीचर हैं अर्थ पे. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. ये कहती हैं कि मुझे अपनी लड़की और दोस्तों की बिल्कुल चिंता नहीं है और ना ही अपनी चिंता है. वेल आई विल मेक इट, और मुझे पता है कि मैं तो पास हो ही जाऊंगी. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. पर मैं श्योर किस में नहीं हूँ, मैथ्स में श्योर नहीं हूँ कि मैं उसमें पास हो पाऊंगी कि नहीं. एनी वे ऑल वी कैन डू इट इज़ वेट, बट हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. अब हम तब तक यही कह सकते हैं रिजल्ट आने तक कि प्लीज अपना दिल मत छोटा करो, सब कुछ अच्छा होगा. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. मेरी सारी टीचर्स से काफ़ी अच्छी बनती थी, ऐसा एन फ्रैंक कह रही है. देर आर नाइन ऑफ देम, सेवन मैन एंड टू वुमेन. उसमें से नाइन टीचर्स हैं जिसमें सात आदमी हैं और दो वुमेन्स हैं. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स. अब यहाँ पे वो बताती हैं अपने एक मैथ्स टीचर के बारे में जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, जो कि ओल्ड फॉगी हैं, मतलब बड़े ओल्ड फैशनड हैं, उनके जो क्लोथ्स हैं वो काफ़ी ओल्ड फैशनड हैं, जिसको इन्होंने कहा है हु टीचेज मैथ्स, वो उनको मैथ्स पढ़ाते हैं. और वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. वो मुझसे परेशान रहते हैं, वो मुझसे गुस्सा रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ. After several warnings, he assigned me extra homework. और मुझे इतनी warnings देने के बाद वो मुझे एक extra homework दे देते हैं, an essay on subject. और वो मुझे essay लिखने को देते हैं किसी भी एक topic पे, जैसे कि a chatterbox पे. मतलब कि जैसे कि वो है जो लड़की दिन भर बोलती रहती है, बिल्कुल मुंह बंद नहीं होता उसका, तो उस पे वो लेटर लिख देते हैं, लेटर देते हैं, मतलब ऐसे देते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, सॉरी. अ चैटर बॉक्स दैट कैन यू राइट अबाउट दैट. वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट? तो चैटर बॉक्स के बारे में लिखने को देते हैं उसको. सर आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. अब तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो, ये इसके बारे में चिंता बाद में करेंगे. आई डिसाइडेड आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, ये उसके बारे में बाद में चिंता करेगी कि वो लिखेगी क्या इसके बारे में. ठीक है, आई जॉट इट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. ये लड़की क्या करती है, अपने नोटबुक में टाइटल लिख लेती है अ चैटर बॉक्स की, मुझे इसके बारे में ऐसे लिखना है. टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. और वो कॉपी अपने बैग में रख लेती है वापस से और चुपचाप बैठ जाती है. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड कम फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई वर्क होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. अब क्या होता है, जब ये शाम तक अपना पूरा होमवर्क ख़त्म करती है तब इसका दिमाग जाता है, इसकी आंखें जाती हैं, या फिर जो भी इसका दिमाग जाता है कि यार मुझे सर ने तो एक एसे लिखने को दिया है. तो फिर ये सोचते शुरू करती है कि क्या लिखूं. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन. अब ये जो फाउंटेन पेन होता है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसको लोग चबाते हुए सोचते नहीं ऐसा करके कि क्या लिखूं क्या लिखूं इसके बारे में. एनी वुड कैन रैम्बल ऑन द लीव्स बिग स्पेस बिटवीन वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. अब क्या होता है, इनके मन में ये आता है कि देखो मैं चाहूँ तो बड़ा बड़ा करके लिख सकती हूँ और इतनी जगह छोड़ दूंगी दो वर्ड के बीच में कि आराम से एक पेज भर जाएगा. पर ये ऐसा नहीं करना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि मैं ऐसा ऐसी बात करके लिखना चाहती हूँ जिससे मेरे जो सर हैं वो मेरी बात से सहमत हो जाएं कि बातें करना कितना ज़रूरी है. आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग. अब इन्होंने खूब सोचा सोचा और अचानक से इन्होंने इनको दिमाग में आइडिया आया. फिर इन्होंने अपने सर से कहा कि सर मैंने 3 pages लिख दिए हैं इस पे जो आपने मुझे एसे दिया था. मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वो सेटिस्फाइड. और वो सेटिस्फाइड भी होते हैं.
आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट. ये उनसे बहस करती हैं कि स्टूडेंट का तो ये क्वालिटी ही है बातचीत करना, बातें करना. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और ये इसमें तो मैं सबसे आगे हूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक सो मच. और मैं इस बोलने वाली हैबिट के लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती, इसका ट्रीटमेंट भी कहीं से नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी मम्मी ही बहुत ज़्यादा बोलती हैं. आई डिड इट नॉट मोर, मैं इतना नहीं करती. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और हम इसके बारे में और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जो कि हमें इनहेरिटेड मिलते हैं. इनहेरिटेड क्वालिटी मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से क्वालिटीज मिलती हैं. मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट. और मिस्टर कीजिंग को बहुत हंसी भी आती है मेरी इस बात पर. बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, पर जब मैं शुरू करती हूँ बोलना, when I proceeded to talk to my way through the next lesson, और मैं ऐसा फिर से बोलना शुरू कर देती हूँ बग बग क्लास में, he assigned me a second essay. जब वो मुझे देखते हैं तो मुझे फिर से असाइन कर देते हैं अगला essay लिखने को. This time it was supposed to be on an incorrigible chatter box. Incorrigible chatter box का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक हैबिट है, बुरी आदत, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. समथिंग कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली सम बैड क्वालिटी. कोई एक ऐसी बैड क्वालिटी है किसी के अंदर जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उस पर उसको ऐसे लिखने को दिया गया. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर द टू होल लेसन्स. फिर उसके बाद मैंने उनको ये भी लिख के दे दिया और मिस्टर कीजिंग के पास कोई कंप्लेन नहीं थी उसके बारे में भी. However, during the third lesson, उसके बाद जब third lesson शुरू होता है तब he would finally had enough. तब उनको लगता है कि यार इतना लिखने को तो तब भी ये बोलती रहती है, इतना बोलती है क्लास में. तो वो एन फ्रैंक को फिर से पनिशमेंट देते हैं. एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्या पनिशमेंट देते हैं? फिर से ऐसे लिखने को देते हैं. उसका नाम होता है क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स. तो मतलब ये इस टाइटल होता है क्वैक क्वैक क्वैक. अब इसको वो क्या लिखे वो समझ नहीं पाती है. वो टफ ऐसे इसलिए देते हैं जिसमें कि वो कुछ अपना लिख ही ना पाए और फिर हम उसकी इंसल्ट कर पाए. लेकिन वो लड़की इतनी शातर होती है कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाती है. द क्लास रोड. अब जो क्लास है वो पूरी हूटिंग करने लग जाती है. बहुत ही खूब आवाज़ें आने लग जाती हैं क्लास से, क्योंकि क्लास में सब लोग सोचते हैं कि अब ये क्या लिखने वाली हैं इस ऐसे पे. आई हैड टू लाफ टू. और इनको खुद भी हंसी आ जाती है एन फ्रैंको कि अब तो मेरा पता नहीं क्या लिखूंगी. आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज. अब इनको लगता है कि जितना मुझे ओरिजिनलिटी जो थी टॉपिक की, जितना मुझे पता था वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, अब मैं क्या लिखूँगी. मतलब मेरी इनोवेटिव आइडियाज़ और जो चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इन माय प्रीवियस एसेज. सो इट वाज़ द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब ये टाइम था कि मुझे किसी और चीज़ पर जाना था और मतलब मुझे कुछ और लिखना था, कुछ नया लिखना था और कुछ ओरिजिनल लिखना था. माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री. इसकी एक फ्रेंड है जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है. अब ये उससे हेल्प मांगती है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स. अब ये सोचती है कि मुझे तुम ना एक काम करो, पोइट्री में ही थोड़ी हेल्प कर दो लिखने में, मैं कैसे लिखूँ. तो ये वर्ड्स जैसे कि एक राइमिंग पोयम बनानी होती है ना, उस टाइप से लिखती है ये. एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय. और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, कूदती हूँ, मतलब खुशी से झूम उठती हूँ. क्यों? क्योंकि मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट. क्योंकि वो सोचती है कि मिस्टर कीजिंग को लगा कि वो मेरा मजाक बना पाएंगे ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा मुझे ऐसे का टॉपिक देकर. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. मैं ये साबित कर दूंगी कि ये जोक उन पे लागू हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ ये बना लेती है और ये उस चीज़ को फुलफिल कर पाती है. तो क्या बनाती है? आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. ये अपनी पोएम को फिनिश कर लेती है और वो पोएम जो होती है वो बहुत सुंदर होती है. इट वॉज अबाउट अ मदर डक. ये एक मम्मी डक के बारे में होती है और एक फादर स्वान के बारे में होती है और उनके तीन बेबी डकलिंग्स, मतलब तीन बेबी डक्स. इन तीनों इन फैमिली के बारे में होती है, डक की फैमिली के बारे में होती है. हु वर बिटन. जो हु कौन है यहाँ पे? जो बेबी डकलिंग्स हैं इनको
काट लिया गया, वर बिटन टू डेथ, और उनकी डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि बाय द फादर. ऑफ कौन करता है? फादर ने उनको काट के उनको मार डाला. क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. क्योंकि वो जो थे, जो डकलिंग्स थे, वो बहुत क्वैक 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 करते थे, इसलिए उनके फादर ने उनको मार डाला. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और जैसा वो चाहती थी कि वो हंसें और इसको मतलब जोक को जोक की तरह लें, तो वैसे ही हुआ. मिस्टर कीजिंग ने इसको जोक को बहुत सही तरीके से लिया, और ही रीड द पोयम टू द क्लास, और उन्होंने ये पोयम पूरी क्लास को सुनाई और अपने कमेंट्स भी इसमें ऐड किए कि वो क्या सोचते हैं इस पोयम के बारे में, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उन्होंने बाकी क्लासेज में भी इसको एक्सप्लेन की, समझा, मतलब रीड की. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और तब से आज तक मुझे कोई भी homework नहीं दिया जाने लगा, extra homework, और मुझे class में बात करने को allow कर दिया गया कि अब तुम बात कर सकती हो. On the contrary, और इसकी opposite में ही क्या changes आए? Mr. Keezing always making jokes these days. और आजकल तो Mr. Keezing जो हैं उनमें इतने बदलाव आ गए हैं कि वो आजकल मजाक करने लग गए हैं. Your एन, यहाँ पे उनका जो ये डायरी का जो एंट्री है वो ख़त्म होती है, और साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब.